फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ESIC में हमारी IP को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे कोई एम्प्लॉई है, वो कंपनी से लेफ्ट हो गए हैं, तो हम लोग ESIC के जो मंथली चलन और कंट्रीब्यूशन भरते हैं, तो उसमें से हम कैसे उसको रिमूव कर सकते हैं। और साथ साथ में हम वो भी देखेंगे कि अगर ESIC में डुप्लीकेट IP है, तो हम लोग मंथली कंट्रीब्यूशन करते टाइम हम लोगों को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और हम लोगों को प्रोसेस कैसे करनी है। सो फ्रेंड्स, मैं ऐसा एज्यूम कर रही हूँ कि आपने मेरा ESIC मंथली कंट्रीब्यूशन वाला वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हो जाके, और आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने उसमें पूरी प्रोसेस बताई है। इसमें जस्ट मैं पार्ट दिखाने वाली हूँ आपको कि हम लोग IP रिमूव कैसे कर सकते हैं, और डुप्लीकेट IP है तो हम लोग उसके प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। बिकॉज बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की कमेंट्स आ रही थी कि ये प्रोसेस हम लोगों को पता नहीं है, तो प्लीज उसके लिए हम लोगों को एक अलग से वीडियो बना के दिखाइए। सो आप पहले वो वीडियो देखिए, इसके बाद में ही आप ये प्रोसेस देखिए, ताकि पूरी प्रोसेस आप समझ सके। सो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं हूं दिया पटेल एंड आप देख रहे हैं अकाउंटिंग सॉल्यूशंस फॉर यू, जिसमें हम सॉल्यूशंस देते हैं PF, ESIC, GST, बैंकिंग, टैली एक्सेट्रा। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और पास वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, ये सब प्रोसेस करने के लिए हमें जाना है www.esic.in पे, और यहाँ पे हमें यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। कैप्चर कोड डाल के आपको आपका जो अकाउंट है वो यहाँ से लॉगिन करना है। तो मैं मेरी डिटेल्स डाल के लॉगिन कर देती हूँ, और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ क्लोज कर दीजिए, और यहाँ पे भी, यहाँ पे एग्री। सो फ्रेंड्स, ये है ESIC का हमारा होम पेज, यहाँ पे हमें मंथली कंट्रीब्यूशन में फाइल मंथली कंट्रीब्यूशन के ऊपर क्लिक करना है। और फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे जो भी मंथ का आपको कंट्रीब्यूशन भरना है, वो मंथ यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। कंट्रीब्यूशन डिटेल फॉर, यहाँ पे मंथ सिलेक्ट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मार्च का करना है 2020। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन डिटेल्स टाइप में यहाँ पे मंथली कंट्रीब्यूशन ही रहने देना है, और यहाँ पे हमारा एम्प्लॉयर का कोड है वही रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सैंपल MC एक्सेल टेम्पलेट, यहाँ पे हमें क्लिक करके ये जो फाइल होती है उसको हमें डाउनलोड करना है, और हमारी फाइल हम लोगों को ओपन करनी है। सो फ्रेंड्स, ये है हमारी फाइल। यहाँ पे दो शीट दिए हुए हैं। शीट वन में ये पूरी डिटेल्स हम लोगों को भरनी होती है, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस एंड रीजन कोड दिए हैं, तो हम लोगों को यहाँ से जो भी नेसेसरी डिटेल्स होती है वो भरनी होती है। तो फ्रेंड्स, IP नंबर मीन्स आपके एम्प्लॉय के इंश्योरेंस नंबर, वो हम लोगों को ESIC के पोर्टल से ही मिल जाते हैं। हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ से वो आपको मिलेंगे। तो ये है हमारा ESIC का होम पेज, और यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज में देखना है, और यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, जितने भी आपने IP जनरेट किया होगा, इट मीन्स आपके एम्प्लॉय को आपने इंश्योरेंस नंबर दिया होगा, वो डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। IP कैसे जनरेट कर सकते हैं, इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है फ्रेंड्स। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हो, और ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हो कि हम लोग IP कैसे जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से आप ये जो शीट है उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो यहाँ से। सो आप एक्सेल या PDF में सेव कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं क्लोज कर देती हूँ फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है। तो हम हमारी शीट में चले जाते हैं अभी। सो फ्रेंड्स, IP नंबर हम लोगों को पोर्टल से ही मिल जाएंगे, और उसके पास के जो नेम है वो भी हम लोगों को यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये दोनों ही चीजें हम लोगों को पोर्टल से मिल जाएगी। यहाँ पे आपको डालना है नंबर ऑफ डेज फॉर विच वेज इज पेड पेबल ड्यूरिंग द मंथ। यहाँ पे आपको जो पर्टिकुलर पर्सन है उनकी जो भी मंथ की सैलरी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मार्च की हम सैलरी कर रहे हैं, तो 31 डेज की हम सैलरी कर रहे हैं, तो यहाँ पे 31 डेज डालना है। मान लो ये पर्टिकुलर बंदे ने यहाँ पे 28 डेज ही काम किया था, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 28 डेज डालने हैं। उसके अकॉर्डिंग पूरी डिटेल्स आप आपके अकॉर्डिंग भर लीजिए, और यहाँ पे आपको टोटल मंथली वेजेस डालना है, वो बंदे की जो सैलरी होगी वो आपको पूरी यहाँ पे डालनी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो IP नेम में एक ही पर्टिकुलर बंदे का दो बार नेम है, बट यहाँ पे उसका IP जो है वो डबल बार जनरेट हुआ है, इट मीन्स डुप्लीकेट हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों को ध्यान रखना है कि उसका जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे हम लोगों को एक ही IP में डालना है, और जो दूसरी IP है वहां पे आपको ब्लैंक ही छोड़ देना है। सो यहाँ पे आपको रीजन कोड डालने पड़ते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये जो ब्लैंक है वहां पे हम रीजन कोड डालेंगे, पास में इंस्ट्रक्शंस एंड रीजन कोड्स है वहां पे हम देख लेंगे। यहाँ पे डुप्लीकेट IP है जहाँ पे 13 नंबर का कोड है, तो हम लोगों को फ्रेंड्स यहाँ पे 13 नंबर डालना है। तो ये हो गया हमारा डुप्लीकेट IP का केस।
तो फ्रेंड्स इसके बाद ये कॉलम में लास्ट वर्किंग डे हम लोगों को डालना होता है। तो ये 13 नंबर का जो कोड है उसके पास में क्या आएगा, वो आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस एंड रीजन कोड से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नोट्स में यहाँ पे लिखा है कि लीव लास्ट वर्किंग डे एज अ ब्लैंक। तो हमें यहाँ पे ब्लैंक ही छोड़ना पड़ेगा, तो शीट वन में हम लोगों को यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स अभी हम बात करते हैं कि हमारा एम्प्लॉय है, हमारा आईपी है, वो एग्जिट हो गया है हमारी कंपनी से, तो यहाँ पे हम लोग कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे कैसे हम लोग उसको निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा पर्टिकुलर जो एम्प्लॉय है वो कंपनी से एग्जिट हो गया है। इट मीन्स 31st ऑफ मार्च में ही वो कंपनी से एग्जिट हो गया है, बट उसको 31st मार्च तक की सैलरी मिलेगी। तो जो भी उसकी सैलरी है वो तो हम लोगों को यहाँ पे करनी है, और यहाँ पे हम लोगों को रीजन कोड और लास्ट वर्किंग डे में कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। बट फ्रेंड्स जब हम लोग अप्रैल का कंट्रीब्यूशन करते होंगे तब यहाँ पे हम लोगों को 00 डालना है और यहाँ पे रीजन कोड वगैरह डालना है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा एक केस है जो फरवरी को उसने कंपनी छोड़ा था, बट अभी हम लोग मार्च का कैलकुलेशन कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन भर रहे हैं, तो उसका यहाँ पे 0 आएगा नंबर ऑफ डेज में, क्योंकि उसने फरवरी में ही जॉब छोड़ दिया है। तो यहाँ पे मार्च का उसका 0 कंट्रीब्यूशन रहेगा और उसका सैलरी वेजेस जो भी है वो यहाँ पे 0 आएगा। बट यहाँ पे हम लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट है रीजन कोड डालना है। तो रीजन कोड यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा, जो लेफ्ट सर्विस है कंपनी छोड़ दी है उनके लिए कोड है 2 नंबर, तो यहाँ पे हमें 2 डालना है। और इसके बाद में लास्ट वर्किंग डे उसका जो भी होगा वो हम लोगों को डालना होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कोड के पास में नोट्स का ऑप्शन है, यहाँ पे क्या लिखा है उसको हम लोगों को रिफ़र करना होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोड चेंज हो गए तो यहाँ पे नोट्स को हम लोगों को रिफ़र करके ही डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर लेफ्ट सर्विस को कोड 2 दे रहे हैं तो यहाँ पे नोट्स है कि प्लीज़ प्रोवाइड लास्ट वर्किंग डे, ये फॉर्मेट में हमें देना है। आईपी विल नॉट अपीयर फ्रॉम नेक्स्ट वेज पीरियड। तो इट मीन्स यहाँ पे हम लोगों को ये जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को यहाँ पे डेट देनी है, उसका लास्ट वर्किंग डे देना है। तो फॉर एग्जांपल ये जो पर्टिकुलर हमारा एम्प्लॉय है वो 29th फरवरी को उसने कंपनी छोड़ दिया था, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे डाल देंगे। तो लेफ्ट सर्विस वो बंदा फरवरी में था, बट अभी हम मार्च का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो उसका 0 आएगा, तो हम लोगों को मार्च के कंट्रीब्यूशन में ऐसे डालना पड़ेगा 002 रीजन कोड, और यहाँ पे डेट आपको इस तरीके से डालना है। सो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों को आईपी रिमूव करने की प्रोसेस करनी है, और यही फाइल हम लोगों को सेव करके ESIC के पोर्टल पे अपलोड करनी होती है। तो फ्रेंड्स मैं आपको वो बता देती हूँ कहाँ से हम लोग वो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो मंथली कंट्रीब्यूशन से ये फाइल जहाँ से डाउनलोड की थी वहाँ पे ही एक ऑप्शन है अपलोड एक्सेल, तो यहाँ पे अपलोड एक्सेल के ऊपर क्लिक करना है और वो जो फाइल है यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे सबमिट करना होता है, और फिर आप चलन वगैरह जनरेट कर सकते हो। तो आगे की प्रोसेस मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताई हुई है, तो आप वहाँ पे जाके एक बार चेक कर लेना फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट ड्रॉप कर सकते हो, हम हमेशा ट्राई करते हैं रिप्लाई करने का। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ऐसे लेटेस्ट वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।